थोड़ा लेट हो गया मेरे को ये लाने करने में। जाता है तो लेके ही आता है कुछ ना कुछ, मतलब वो देने वाला ही बंदा है। आपने देखा ना इसके शूज सब कुछ, मतलब ये ऐसा बंदा है। अभी मैं हमको पूछ रहे थे कि आपके अंदर वो एनर्जी कहाँ से आई। मैं तो कोविड के बाद मेरे को बोला वैक्सीनेशन लगवाओ, मैं बोला ना ऋतविक से मिल लेता हूँ, सबसे बड़ा वैक्सीन तो ये एनर्जी का। हाय मेरी जान, हाय मेरी जान, आई एम सो हैप्पी यार तीनों भाइयों को एक साथ, मतलब इट्स बीन सो लॉन्ग। मेरे को मतलब सो हैप्पी, हमारे लिए नॉट बीन सो लॉन्ग, हमारे लिए इज नॉट बीन सो लॉन्ग। जी जी तो क्या आजकल डेट्स है ना हमारे लिए, काय का डेट्स? अबे 2 साल दिया है तुम लोग को, जितना तुम लोग के साथ रहा हूं मोमेंट में बीवी के साथ नहीं रहा। ये सबसे जवान नहीं लग रहा है क्या? ओए कैसे ऐसे भाई, देख एंटी एजिंग क्रीम लगा के बड़ों को गले भाई, देखो ना। अयो ओ माय गॉड, नहीं हां हम सब रेडी हो गए, आ गए रेडी। ही हैज गॉट क्या बात कर रहे हो? हाँ मैंने भी बोला, अरे बहुत मजा आएगा रे, मैं तो जूम, मैं तो ले के ना आ जाऊंगा। उफ, मैं सचिन जी को फोन करके बोला, मैं सचिन जी ये एटीट्यूड ही नहीं है सर। ऑलराइट सो रेडी आप लोग? हाँ जी हम तो रेडी हैं, मतलब भाई हम लोग 2 साल से रेडी हैं। हाँ जी अच्छा, तो हम ऐसा मान लें कि 2 साल से 20 अगस्त दिन का इंतजार है आप लोगों को। हाँ ना भाई, हाँ बहुत बेसब्री से इंतजार। मुझे तो लग रहा है कि मैं पैदा ही इसके लिए हुआ हूँ। हाँ जी आना, इतना समय लग गया। थैंक यू मेरा भाई, ये हम लोग ने आज के जमाने का मुगले आजम ही बनाया। सिर्फ अनारकली का रोल चेंज होता रहा, कभी ये अनारकली कभी मैं, सब नाच रहे और सलीम हमारे खान चाचा थे। टाइटल ट्रेलर देखा, बहुत ही मतलब मतलब देखो भैया, जबकि 14 एपिसोड की इतनी बड़ी वेब सीरीज बना रहे हैं कोई, और कोई मतलब एकता कपूर जिन्होंने अपनी अपना खुद का लोहा मनवाया है इस क्षेत्र में, और जिस औरत ने अपनी एक खुद की पहचान बनाई है, इतने अनगिनत सैकड़ों शोज का निर्माण किया है, जब वो अपने एक प्रोजेक्ट को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मान के जब चलती हैं, और वो प्रोजेक्ट किसी भी सूरत में चाहे जितनी अड़चने आ जाए, कोविड को भी हरा दिया उस औरत ने भाई। मतलब ये शो हमें कई जगहों पर ऐसा लगा कि यार ये नहीं बनेगा, कैसे होगा, कैसे होगा, हम कैसे बढ़ेंगे, इतनी बड़ी अड़चन, पूरा कोविड का एक पूरा साल, मतलब समझते देयर वाज एन एंटायर ईयर जब कोई काम नहीं कर रहा, और ये खड़ा है शो, आधा बन के खड़ा है। अब ऐसे में कई सारे लोग डर के पीछे हट जाते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं कि यार कैसे बनाएंगे क्योंकि इतना बड़ा शो है, लेकिन ना उनका जो भरोसा इस स्क्रिप्ट में, उनका भरोसा इस टीम में, हम एक्टर्स में, हमारे डायरेक्टर में, सब में जो भरोसा, मतलब वो डटी रही, और मतलब इसको कि बनेगा तो बनेगा, और मतलब फाइनली फिर बनाया तो क्या बनाया है। हाँ तो आप ये सोचिए कि जब वो ऐसा शो बना रही हैं तो फिर वो क्या बना। तो हालांकि बहरहाल एक फैमिली की ये कहानी है, आंगरे फैमिली, रानी माई जिसकी करता धरता है, उनका सगा बेटा है अभय, अभय आंगरे, और उनके दो मुंह बोले बेटे हैं अपनी बहन के बेटे, जिनको इन्होंने पाला है, एक है मेजर और एक है मधुमा। तो इन तीनों की, इस परिवार की कहानी, उनकी बहनें भी हैं, इनके घर में बच्चे भी हैं, और इनका व्यापार है जो कि जिस तरीके से हम लोग कह लें कि डॉक्टर सुबह सुबह प्रिस्क्रिप्शन और ये सब बैग लेके स्टेथोस्कोप लेके निकलता है, ये लोग बंदूकें लेके निकलते हैं। तो ये वो मरम पट्टी करता है, ये लोग तोड़ते हैं। हाँ तो ये प्रोफेशन है, हर एक का अलग अलग अब नज़रिया देखने का, लेकिन मुझे लगता है कि दर्द तो सभी को होता है, मारने वाला मार देता है, लेकिन जब मार लगती है, खरोंच आती है अपने से भी ज़्यादा अपने परिवार पे, तो फिर ज़्यादा दर्द होता है। करेक्ट, और ये आप देखेंगे तो ये कोई क्राइम
या अंडरवर्ल्ड या ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, ये एक परिवार की कहानी है, ये एक्चुअली भाइयों, तीन भाइयों की कहानी है, उनके बीच के प्यार, उनके बीच की रंजिश, उनके बीच के रिडेम्पशन, उस इन तीनों के खून की कहानी, इन तीनों के जुनून की कहानी है, देखा जाए मतलब ये इन तीनों भाइयों के ऊपर ही है। और ये इर्द गिर्द किस तरह से ये जो दब, 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 जब आपके ऊपर आपके आप जो पागलपन है पावर का, वो जब सर चढ़ के बोलता है तो किस तरह से वो एक परिवार को भी किस तरह से यू नो जोड़ के रख देता है, ये वो कहानी है। तो दिस इज, ये किसी भी परिवार में हो सकती है, बस फर्क ये है कि ये वाला जो परिवार है वो काम ये करता है, बिजनेस इनका अलग। तो दो भाई यहाँ हमारे सामने बैठे हैं, तो अगर आप लोग बता सके तो अब तक कितनी कुटाई कुटाई आप लोग कर चुके हैं, या फिर एक दूसरे की तो नहीं, एक दूसरे की, अगर एक दूसरे की कंबल कुटाई बोलेंगे तो बहुत की है, एक साथ रह के कंबल कुटाई बहुत की है, लेकिन वैसे कुटाई तो बिल्कुल भी नहीं, वैसे सिर्फ प्यार ही प्यार हर जगह मतलब दूसरों की बहुत की है भाई साहब, दूसरों की कुटाई करते हैं, हालांकि सारी चीजें तो नहीं बता सकते, नहीं ना दादा, लेकिन जब ये कुटाई पे आ जाते हैं तो फिर मतलब वो जितनी जमा की हुई एक कहते हैं कि अभिनेता की अपनी अपनी एक पूंजी होती है, हाँ, जो कि उसकी ज़िंदगी से आती है, उसके अनुभव से आती है, तो सारी जो तैयारी थी उसका सारा निचोड़ जो है हर एक इंसान ने इसमें डाला, बिल्कुल, है बिल्कुल। और बच्चे 100 में से मार्क लाते हैं ना, कि 100 में से 90 मिले, 99, 100 में से 100, ये 100 में से 200 मार्क लाने की कोशिश करने वाले अभिनेता हैं मेरे साथ जो बैठे, हाँ जी। तो थोड़ा सा बताइए कि जो आपका किरदार है कितने मार्क्स लाएंगे आप इस किरदार? देखिए रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ में, हमने हमारा एग्जाम दे दिया। और मैं अपने किरदार की बात करूँ तो मेरा किरदार जो है वो घर का सबसे छोटा बेटा, सबसे छोटा, प्यारा है, दिल का बहुत शरारती भी है, दिल का बहुत प्यारा है, लेकिन पागल है, मतलब वो पागल इस तरीके का कि वो एक टाइम बॉम्ब है, वो कब फटेगा वो उसको खुद को नहीं पता कि वो कब फटेगा, और वो अपने साथ कितनों को ले मरेगा वो भी नहीं पता उसको, और वो मतलब अंदरूनी बच्चा है जिसे जिसे बड़ा होने से पहले बड़ा होना पड़ा और बड़े होने का समय नहीं मिला, और बड़ा होने का वो जो जो ओहदा है उसको वो नहीं मिला। तो जब वो किसी आदमी को ऐसा महसूस होता है कि ये मेरा ओहदा है, ये मुझे नहीं मिल रहा है, तो फिर वो आदमी जो पहले से पागल है वो आग बुबुला होके क्या करता है। बस ये वही कहानी है, ये मेरे किरदार की। आप कौन से नंबर के बेटे हैं, मैं आपका जो जलवा क्या होने वाला है इसका? भाई मेरा जलवा ये है कि वो परिवार का आदमी है, सबसे बड़ा है, लेकिन उसको कोई शौक नहीं है गद्दी का, वो अपने भाइयों से प्यार करता है, अपने परिवार से मोहब्बत करता है, और ये चाहता है कि अपना परिवार ठीक ठाक रहे। उसके लिए रानी माई की हर बात सराह, उसके लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ महत्व रखती है तो उसका परिवार है, उसके भाई है, तो ऐसा वो है, मतलब वो भी शरारती है, लेकिन उसके साथ साथ वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, बीवी को अगर नारियल तोड़ के देना है तो सर पे फोड़ के वो दे देता है, ऐसा इंसान तो मैंने देखा नहीं, कोई खली वली भी शायद ऐसा करते होंगे, मुक्के से ही तोड़ता है इनसे, यहाँ पे कोई तोड़ के नहीं देता, लेकिन मेरे डायरेक्टर का और राइटर का वो कहना था। तो ऐसा बंदा होने के बावजूद भाई की एक हरकत से वो रो भी देता है, तो ये ऐसी कहानी है। और जो हमारे और एक भाई साहब हैं जिनका नाम तनुज वीरवानी, जो मेजर की भूमिका में है, वो बीच वाले भाई है, मैं बड़ा हूँ, ये सबसे छोटा, वो बीच वाले हैं, लेकिन वो जो हैं उनकी हरकतें ऐसी हैं कि वो बड़े भाई जैसे ही है, मतलब वो जिम्मेदारी जो है उन्होंने उठा रखी है। घर के दो छोटे भाई हैं, वो हम दो हैं, बड़ा भाई वो है। और हर एक का किरदार जो है अपने से बिल्कुल परे है, बिल्कुल जुदा है, हाँ। मतलब जो राइट फ्रॉम द डायलॉग राइटिंग टू कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ थ्री ब्रदर्स इट्स टोटली डिफरेंट। और नॉट जस्ट ब्रदर्स, इसमें आने वाले हर किरदार की अपनी अपनी एक कहानी है जो कि होती है, और उसको बखूबी सारे कलाकारों ने, यहाँ पे जितने आपको नज़र आ रहे हैं इससे भी कई ज़्यादा कलाकार हैं जिन्होंने बहुत कमाल का निभाया है। और इसमें वो मतलब ये एक ऐसा शो है कि जिसमें कोई एक शहरी बाबू होगा कि जिसको आज वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे वो जो देखना चाहता है
वर्ल्ड सिनेमा जो अपने अपनी मिट्टी को खोजते हुए कुछ वो चीज़ भी देखना चाहता है उसको भी ये रिझाएगा। उसके साथ जो गांव में रहने वाली जो एक मौसी होगी जिसको लगा वो कहेगी कि ये बाकी सब ठीक है बंदूक बंदूक, लेकिन इमोशन कहाँ है, तो इमोशन भी है इसके साथ साथ, सारी वो चीज़ें हैं। बहुत ही कमाल का मिश्रण है, बहुत ही कमाल की कहानी, बहुत ही कमाल से लिखी हुई है दोस्त। एंड यू नो रितिक जी एंड जितेंद्र जी, सुप्रिया पाठक जी भी हैं इस हमारे इंडस्ट्री के लेजेंड माने जाते हैं। आप लोग का एसोसिएशन कैसा रहा उनके साथ में, अगर आप लोग कुछ बता सके कि कैसा रहा एक्सपीरियंस सुप्रिया पाठक जी के साथ? क्या ही तो बोले हम लोग, मतलब हम मतलब जितना उन्होंने काम किया उतनी हमारी उम्र नहीं है भाई साहब। हाँ मतलब और जिस परिवार से वो आती हैं, जिस तरीके का उनकी तैयारी है, तो आप हम तो वो वाले एक्टर हैं कि हमको जब लाइनें देते हैं तो हम लोग याद कर लेते हैं, उसमें से कुछ मतलब निकल आए इसकी कोशिश होती है। सुप्रिया जी ऐसी अदाकारा हैं कि जिनको वो बोलती हैं तो मतलब खुद ब खुद बन जाता है। तो ऐसी अदाकारा है, तो हमारा सौभाग्य कि वो इस शो में है। और मेरा मतलब मैं बहुत बड़ा फ़ैन दादा जी, मैं बहुत बड़ा बचपन से बहुत बड़ा फ़ैन, और पहली बार जब हम सीन करने जा रहे थे तो मैं मतलब ऐसे फटके हम चार हो रहे कि कैसे करूँगा उनके सामने डायलॉग, कैसे बोलूँगा क्या बोलूँगा, तो मैंने सबसे पहले जाके उनकी उल्टी कर दी। मतलब कि मैम मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन, मैंने आपको देखा है खिचड़ी में, देखा है आपको रामलीला में, देखा आपको इतनी जगह पर देखा है, मतलब मैं पागल हूँ, मतलब मैं बहुत नर्वस हूँ आपके साथ परफॉर्म करने के लिए। तो मैं बोलता गया उल्टी करता गया, तो खाली बैठ के मेरे को देखी देखती गई और थोड़ी देर बाद मेरे को बोलती है एक चल चल कुछ भी मत बोल। तो सारा रिश्ता वहीं बन गया और वहीं से शुरुआत हो गई कि वो इतनी यार इतनी कमाल की, मतलब जैसे दादा ने कहा सौभाग्य हमारा कि हमें मुझे मौका मिला कि मैं इतने बड़े कलाकारों के साथ, और मैं दादा की भी बात कर रहा हूँ, बहुत कमाल के कलाकार, आप इनको देखोगे इनकी क्राफ्ट को देखोगे काम करते हुए, तो आप मतलब कोई भी इंसान बावला हो जाएगा कि ये क्या है, ये क्या क्या चीज़ है, ये कि कैसे सीन अगर इतना सा लिखा हुआ है तो उस इस सीन को इतना बड़ा बनाने वाला इंसान ये एक अकेला एक भाई चुप रे यार, और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बहुत कुछ हम लोग भाई, हम लोग भाई हैं, मैंने बहुत सीखा दादा। ये शो आएगा, ये शो खत्म हो जाएगा, ये शो रहेगा। इस शो की अगर मेरी कुछ मिल्कियत है तो वो है ऋत्विक धनजानी और तनु धनजानी। ऐसा रिश्ता बना है कि आज मेरी बच्ची बोलती है ऋत्विक काका, ये होता है यार, ये और ये बहुत कम बार होता है। लोग आते हैं एक साथ काम करते हैं, हम प्रोफेशनल लोग हैं, इतने सालों से ऋत्विक काम कर रहा है, तनुज काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, सारे लोग रिश्ते कभी कभार बनते हैं, प्रोजेक्ट आते हैं जाते हैं। मेरा ये मानना है कि चीज़ें आएंगी जाएंगी, कल को शायद कोई अलग प्रोफेशन होगा, पता नहीं कहाँ होंगे। ज़िंदगी में दोस्त बहुत कम मिलते हैं, और जो परिवार के साथ जुड़ जाते हैं ना, वो वाले रिश्ते बन गए भाई। बिल्कुल, आई विश कि ये जो भाई का प्यार है हमें पर्दे पर भी अच्छा देखने को, बिल्कुल दिखेगा इससे कहीं ज्यादा। 25 अगस्त को ये जो रोमांस हमें देखने को मिलने वाला है, आप सभी का अगर आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहें 25 अगस्त जस्ट कुछ ही दिन दादा भाई, 20 अगस्त से ये शो आ रहा है ऑल्ट बालाजी के ऊपर, और MX प्लेयर का एक नया वाला जो OTT चैनल है MX गोल्ड, जो कि जिसपे आपको ये शो देखने को मिलेगा, जिसकी मतलब एक रुपये से भी कम दिन पर का डे कहाँ, बहुत कमाल का, इतना सस्ता है यार ये, पता नहीं यार, मैं पूछने मतलब कैसे करते हैं। और MX प्लेयर गोल्ड और ऑल्ट बालाजी दोनों पे आ रहे हैं, दोनों बड़े प्लेटफॉर्म्स का ये पहला शो है जो साथ में है, इतने बड़े लेवल पे लॉन्च कर रहे हैं। सो वी रियली होप कि आपको पसंद आए, हमने बहुत दिल से और बहुत प्यार से शो को बनाया है और खड़ा किया है, वी रियली होप कि आप सबको पसंद है और आप उतना ही प्यार दें जितना हमारे अलग अलग कामों को आप देते हैं। तो बस भगवान से यही दुआ, गणपति बाबा थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, गुड लक, थैंक यू। आपकी भाषा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बात करते हैं। भाई क्या चल रहा है भाई? बस इंटरव्यू हो गया ना, नहीं
हो गया इधर बैठू सो विच कैमरा एक ही है बीच में हाँ ठीक है ठीक है ओके ऑलराइट सो तनु जी सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन जब से ये मतलब ट्रेलर आया है एंड इससे भी पहले एक पोस्टर आया था कातिल करके बहुत ही सस्पेंस था वहाँ ट्रेलर आने के बाद पता चला कि ढेरों सारे किरदार ढेरों सारे बहुत सारी होने वाले कातिल में आप बताइए कैसा रहा आपका किरदार एंड कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस कातिल के साथ पहले तो मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कातिल के बारे में बात करूं तो मेरा बहुत ही पुराना संबंध है इस प्रोजेक्ट के साथ मैं ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हूं तो आज की ये फाइनली 20 अगस्त को रिलीज़ होने जा रही है तो मैं बहुत ही खुश हूं बिकॉज हमने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इसके लिए इसके लिए शूट किया है चाहे वो कोविड से पहले हो तब मैंने अपने राइट हैंड में 4 हेयरलाइन फ्रैक्चर्स सस्टेन किए थे फिर कोविड पैंडेमिक की वजह से यू नो इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल क्योंकि ये एक बॉम्बे बेस्ड शो है तो यहाँ पे अबाउट 80% शूटिंग बॉम्बे में हुई है बहुत सारे लोकेशंस में हुई है जूनियर आर्टिस्ट के साथ हुए हैं 138 कैरेक्टर्स है हमारे शो पे जो कि आई थिंक आज तक इंडिया में किसी भी वेब सीरीज़ या OTT प्लेटफॉर्म पर नज़र नहीं आया है तो फॉर ऑल दीज रीजंस कार्टेल हैज़ बिन हम लोग हंसी मजाक करते थे सेट पर कि हम लोग तो वेब सीरीज़ के मुगले आज़म बनाने जा रहे हैं इट हैज़ रियली बिन अ हर्क्यूलियन एफर्ट तो मैं बहुत ही खुश हूँ और अगर आप मेरे खुद के पर्सनल किरदार के बारे में बात करोगे मेजर भाव AKA अर्जुन म्हात्रे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए ये एक एक्स आर्मी मैन है जो इस क्राइम फैमिली के हिस्से है जो मुंबई शहर को चलाती है सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इस तरीके के किरदार को मैंने पहले कभी निभाया नहीं है अपने करियर में आज तक मैंने जितने भी रोल्स किए हैं वो बड़े ही सिटी सेंट्रिक वेरी साउथ बॉम्बे किस्म साउथ दिल्ली किस्म के रोल्स थे बट फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे एक ठहरा वाला रोल प्ले करने का मौका मिला सो इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज जैसे कि आप जानते हो रियल लाइफ में मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी यू नो बबली है काफ़ी चर्पी हूँ मैं काफ़ी हाइपर एक्टिव रहता हूँ तो इस कैरेक्टर के लिए आई हैड टू फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ और मुझे मेजर भाव बनना पड़ा तो बड़ा मज़ा आया और साथ ही साथ इसमें पहली बार आप मुझे एक्शन सीन्स में भी नज़र आएंगे चाहे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो गन फाइट्स हो नाइफ फाइट्स हो स्ट्रीट चेसेस हो तो ये सब करने में बड़ा मजा आया है सो वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड एंड हमने सुना है कि सबसे बड़े भाई हैं आप इस हाँ बड़ा भाई भी हूँ और बड़ा भाई भी हूँ जी तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बड़े भाई के ऊपर एंड बड़े भाई के ऊपर तो थोड़ा सा अगर आप बता सकें कि ये जो जिम्मेदारी होती है बड़े भाई की नटखट और चुलबुल और आई फील कि ऑफकोर्स बड़े भाई होने के नाते यू नो सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं सर्टेन प्रायोरिटीज होते हैं हमारी जो माँ है शी लुक्स एट मी कि यार इन दोनों को संभाल लो क्या हो रहा है इन लोग क्या करें सबके सामने नाक कटवा रहे सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट बट आई फील एट द एंड ऑफ द डे कि जो हमारा स्क्रिप्ट है हमारी जो स्क्रीन प्ले है वो हमारी बाइबल है तो उसमें सारे सवालों के जवाब मौजूद है तो आई वुड जस्ट फॉलो दैट बट एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ऋत्विक जीतू मैं इस शो के पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे बट इस शो के दौरान आई कांट जस्ट से कि वो दोस्त बन गए वो सचमुच रियल लाइफ में मेरे भाई बन गए हैं और अगर आप शो देखोगे ट्रेलर देखोगे जब शो रिलीज़ होगा देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इस तरह की केमिस्ट्री को आप फेक या चीट नहीं कर सकते हो यू नो चाहे आपकी एक्टिंग जितनी भी अच्छी हो बिकॉज जब आप एक्ट करते हो तो आप अकेले एक्टिंग नहीं करते आपके साथ कोस्टार्स आपके कलीग्स भी रहते हैं तो आई फील कि क्योंकि ये एक तीन भाइयों की कहानी है तो वी आर द बैकबोन ऑफ कार्टेल तो बहुत ही ज़रूरी था एंड टच वुड अच्छा सब अच्छा गया एंड होपफुली सब अच्छा भी जाएगा जी आपका कौन सा फेवरेट रहा क्योंकि आपने बताया खुद कि आप ढेर सारे आप किरदार कर रहे हैं एक्शन भी है तो बताइए आपका कौन सा फेवरेट रहा सीन्स के हिसाब से सीन्स आई फील कि मुझे सबसे ज़्यादा क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता था जब मैं या तो सुप्रिया जी के साथ काम करता था बिकॉज ऑनेस्टली लाइक शी इज़ अ एक्टिंग लेजेंड और हमेशा से मेरी इच्छा थी कि मैं उनके साथ काम करूं तो पहली बार मुझे वो मौका फाइनली मिला है और हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे लंबे चौड़े मीनिंगफुल सीन्स है
वन ऑन वन सीन्स हैं, तो उनके साथ काम करने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है एक्टिंग के बारे में, कैमरा के साथ कैसे खेलना है, ऑल दीज थिंग्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स जीतू और ऋत्विक के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया. यू नो, हम लोग कॉल शीट चेक करते थे और जिन दिन दिन पे तीन भाइयों के सीन्स एक साथ थे मैं बड़ा खुश रहता था, बिकॉज मुझे पता था कि इसमें कुछ धमाल होने वाला ही है, इसमें कुछ हम लोग एक्स्ट्रा ले आएंगे. यू नो, सी पेपर से डायलॉग कोई भी रट के कैमरे के सामने बोल सकता है, बट यू नो एक्टिंग में तब मज़ा आता है जब आप अपने डायलॉग्स अपने को स्टार्स के साथ आप सिचुएशन के साथ खेलने लगो. एंड दैट ओनली कम्स जब आप में एक कॉन्फिडेंस भी है और एक सिक्योरिटी भी है. तो इन एक्टर्स के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी ऑन दिस सेट. यू नो, कभी कभी लोग समझते हैं कि जब आप एक बड़े बजट शो या एक एंसेंबल स्टार कास्ट बनाया हुआ शो पे काम करते हो तो इनसिक्योरिटीज रहेंगे कि अरे इसको ज़्यादा सीन्स क्यों मिल रहे, अरे मेरा क्लोजअप क्यों नहीं लिया, बट गॉड थैंक गॉड फॉर दैट कि इस सेट पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. यू नो, सुप्रिया पाठक जी के बारे में मैं बात करूँगा, जब आप उनसे पहली बार मिले, क्योंकि हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अब एक लेजेंड मानी जाती जी, तो पहली बार आप उनसे मिले थे, क्या कुछ आपका रिएक्शन था? एक्चुअली जब हम पहली बार मिले थे तो इट वॉज वेरी अर्ली ऑन इन शूट, और उस सीन में सुप्रिया जी एक व्हील चेयर में थी और वे एक मैकेनिकल ऑपरेटेड व्हील चेयर थी, और किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये व्हील चेयर को कैसे कंट्रोल किया जाए, बिकॉज उन्हें आके एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रुकना था, तो अगर वो राइट घुमाती तो व्हील चेयर लेफ्ट जाता, लेफ्ट घुमाती राइट जाता, तो इट वॉज क्वाइट फनी एंड ऑल. सो देन फाइनली शी टोल्ड मी कि देखो मैं इंजन को बंद करने वाली हूँ, हाँ पीछे से आप ही पुश करते रहो और जो कुछ जो आप सही समझते हो यू डू एग्जैक्टली दैट. और फिर हमने ऐसे किया, तो इट्स एक्चुअली इन द ट्रेलर शॉट कि तीन भाई पीछे से चल रहे और मैं और जीतू पीछे से उनको हाँ ट्रॉली इन कर रहे. तो दैट वॉज द फर्स्ट डे, दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस सुप्रिया जी, और बड़ा मज़ा आया उसके बाद. यू नो आई थिंक एक बार हमारे तगड़े बड़े बड़े अच्छे जूसी सीन्स स्टार्ट हो गए, यू नो, तो वो एक कंफर्ट लेवल सा बन ही जाता है. एंड ट्रस्ट मी, शी इज़ लिटरली लाइक अ मदर फिगर ऑन द सेट ऑफ कार्टेल, यू नो, बिकॉज जिस तरीके से वो सबका ख्याल रखती थी या यू नो हमें कॉन्फिडेंस देती थी कि यू नो हाँ बाबा ये वाला टेक तुम्हारा अच्छा था बट अगला वाला और भी अच्छा होगा तो लेट्स ट्राई वन मोर. सो शी वॉज वेरी वेरी सपोर्टिव एंड यार दैट इज़ वॉट वन ऑल वी वॉन्ट फ्रॉम अ सीनियर एक्टर. And you know कि जस्ट अभी हम सभी अनलॉक से बाहर आ रहे हैं, फिर जैसे ही हाँ जैसे ही हम बाहर आए हमने आपका एक प्रोजेक्ट तंदूर के प्रेस मीट पे मिले नाउ कार्टेल, तो कुछ बता सके? मैंने सुना है कि ढेरों सारे बैक टू बैक आपके प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो यार भगवान हाँ भगवान की कृपा से सब एक के बाद एक आ रहे हैं. दैट्स वेरी गुड, बट यू नो ऑडियंस को ये भी समझना होगा कि कई सारे ऐसे भी शोज है जिनके लिए मैं शूट कोविड से पहले भी कर रहा था एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड वो अटक गए थे या फिर पोस्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा समय लगा, तो अभी एक के बाद एक सब आ रहा है. नो एंड ऑफकोर्स आई एम ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. आई ऑल्सो फील कि थिएटर्स बंद होने की वजह से ये एक प्लस पॉइंट है, एक गुण है OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, और क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा OTT फिल्मों और शोज़ पर काम करता हूँ तो अच्छे खासे ऑफर्स आ रहे, अलग अलग किस्म के किरदार निभाने का एक मौका मिल रहा है मुझे जो पहले शायद इतना मिलता नहीं था. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैश इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट. एंड ऑनेस्टली मैं चाहे जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम करूँ, अगर आप उन्हें पसंद नहीं करोगे, आप उन्हें सपोर्ट नहीं करोगे, तो इट विल नॉट गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू डू सो इन द फ्यूचर. तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर मेकिंग दिस हैपन. चलिए 20th अगस्त को ये ऑल्ट बालाजी पे स्ट्रीमिंग होने वाला है, कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए? जी एब्सोल्युटली. मैं जिस भी शो पर शो या फिल्म पे काम करता हूँ आई गिव इट माई 100%, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप लोग उसे देखें और अगर पसंद आए तो प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड, और अगर नहीं भी पसंद आए तो देन प्लीज़ DM मी ऑन Instagram, सोशल मीडिया पे हम यू नो हम सब बात करते हैं. इट्स एन अमेजिंग वे टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, क्या पसंद करती है. सो यू गाइज हैव अलाउड मी, यू हैव गिवन मी विंग्स लाइक विंग्स टू फ्लाई एंड यू हैव मेड मी मेक ब्रेव चॉइसेस. सो थैंक यू सो मच. और 20 तारीख से ये ओल्ड बालाजी और MX प्लेयर दोनों प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रीम होने जा रही है. इस पे 14 एपिसोड है, लंबा चौड़ा शो है, इट्स रियली लाइक अ एपिक मैसिव शो. सो प्लीज़ स्टे फ्री दैट वीकेंड और बिंज करते रहो, एंजॉय करते रहो एंड होपफुली मेक इट अ हिट ताकि हम सीजन 2 के लिए वापस आ सके इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच एंड गुड लक. थैंक यू. Oye.
थैंक यू तो बहुत बढ़िया मेरी जान, तुम कैसे? ठीक है। रावस की नहीं? रावस बोलो, रावस। रावस आ गए, आ गए, आए नहीं आए? अरे बढ़िया लगता है आपको जितनी बार भी देखते हैं। सर कैसा रहा शूटिंग का? शूट कैसा रहा आपका? अरे मचान मिली यार, एक नंबर मजा। तुम देखो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, दूसरा टेलर आज हम लोग डालेंगे आप लोग के इंस्टाग्राम पे, देखो तुम। सच मैं बोल नहीं सकता तुमको क्या हो गया दिमाग भाई। चलो चलो डाला बिल्कुल एक नंबर। अगर मैं वो होता तो ना इस बिल्डिंग में होता। ये पिक्चर है बूमरांग। कोई पूछे जयनाम किधर है? बोरा। ये क्या रहता? अच्छा स्टोन पे फ्रेश सीजर ऐसा करे तो जी टू कार्टेल स्ट्रीमिंग ऑन एमएक्स ऑल 28 अगस्त एमएक्स गोल्ड और ऑल्ट बालाजी। ऑल्ट बालाजी, ऑल्ट बालाजी, ऑल्ट बालाजी। देखो मैं बहुत पसंद आ गया क्या? मेरा कैमरा बंद नहीं हुआ मेरे को देख के। हाँ क्या चाचा तुम पूछो ना कुछ, तुम्हारा सवाल बहुत एकदम कड़क रहता है, दिमाग का भंगार बना देता हूँ सर। सर अभी 15 अगस्त आ रहा है तो फैंस को क्या विशेष देंगे? 15 अगस्त आ रहा यार, 15 अगस्त आ रहा है इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। सबसे पहले तो हमारा भारत वर्ष जो भारत जो है 75 वर्ष पूरे कर रहा है अपनी आज़ादी के, तो आई प्रे कि हम सबको हमारी हर उस बुद्धि से आज़ादी मिले जिसने हमें जकड़ रखा है हमारी सोसाइटी को। मेनली यहाँ पर मतलब ये जात पात ऊंच नीच ये जो भेदभाव इन सब से आज़ादी मिले और हम जो हमारा देश है जैसा जैसा था जो सतयुग में बना के गए थे, जो रख के गए थे हमारे देवता लोग देवगण लोग, वैसा ही रहे। हम एक दूसरे के साथ प्यार के साथ प्यार बांटते रहे और प्यार के साथ जीते रहे। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीबॉडी एंड प्लीज़ वॉच कार्टर 20 अगस्त। इस बार बिग बॉस भी OTT पे आ रहा है, इसके बारे में बढ़िया आ रहा भाई, OTT पे आ रहा है, प्लीज OTT पे देखो, बढ़िया मजा आएगा आप लोगों को उसमें। फॉलो कर रहे कार्टेल भी आ रहा है भाई, OTT पे आ रहा है कार्टेल भी 20 अगस्त को, वो देखो ना 20 अगस्त में अभी तो OTT भी चालू हो गया। आप फॉलो कर रहे कि नहीं बिग बॉस को? भाई अभी तक तो मैंने शुरू नहीं किया, मैं कार्टेल के प्रमोशन में बिजी हूं, बट मेरे को जैसे थोड़ा सा समय मिलेगा डेफिनेटली वॉच इट बिकॉज़ आई गॉट अ कपल ऑफ फ्रेंड्स। दिव्या है यार उसमें, दिव्या इज अ पार्ट ऑफ आवर शो एज़ वेल। दिव्या अग्रवाल इज अ ये रही दिव्या अग्रवाल, बहुत ही कमाल का काम किया है दिव्या ने शो में। यू हैव टू वॉच आउट फॉर हर, एक नहीं बल्कि कुछ 6 किरदार निभाए उसने और क्या निभाए यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय दिव्या, आउटस्टैंडिंग।
रितु भाई, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है 2008 के बाद, 2021 में गोल्ड। अगर इस वक्त मेरे आसपास अगर नीरज चोपड़ा होते तो मैं पैर छूता और मैं कहता धन्यवाद मेरे भाई, तुमने हमारे पूरे भारत का जो 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 नाम है, जो नाक है, इतनी ऊंची कर दी। हमारा भारत का जो नेशनल एंथम है वो पूरी वो ओलंपिक्स के स्टेडियम में बजा, मतलब इट्स सच अ ऐसी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। सो थैंक यू वेरी मच। और नीरज के साथ साथ आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबडी, हम सबको यार, लेट्स रियली रियली पुश आवर एथलीट्स, उनको बहुत ज़रूरत है। मतलब हम उनकी ग्लोरी में सब साथ में आ जाते हैं, अरे वाह हमने गोल्ड जीता। उनकी मेहनत देखो यार, कितने समय से अकेले लड़ रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई फाइनेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। वी हैव टू, दिस इज अ ऑनेस्ट रिक्वेस्ट, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ एनीथिंग दैट आई कैन टू हेल्प द एथलीट्स आउट देयर, क्योंकि बहुत ज़रूरत है यार दोस्त, बहुत ज़रूरत है। 130 करोड़ की जनता में अगर पहला गोल्ड आया तो खुशी मनाने की बात तो है, लेकिन सोचो दुख की भी कितनी बात है कि इतने वर्षों में 130 करोड़ की जनता में पहला इंसान गोल्ड लेकर आया। तो मतलब हम कहीं ना कहीं तो लैक कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ buck up and really support our athletes. To all the athletes who've been there in Tokyo Olympics this year, you guys have made us proud. Thank you very, very much. Be it a gold, be it a bronze or a silver, you guys are nation's pride. And thank you very much for putting in all your efforts. We really, really love you. And thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye.